चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार सारे बच्चों का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सारे बच्चों को। और बच्चे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, ज्योग्राफी का भी 6 PM पर क्लास स्टार्ट है और अच्छा खासा रिस्पांस आप लोग दे रहे हो। बस आप लोग क्या करो बच्चे, वीडियो को सिर्फ शेयर कर दिया करो। आप लोगों की अब एक ड्यूटीज़ है बच्चे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए बच्चे, ठीक है। और शेयर ज़रूर करो बच्चे, ठीक है। चाहे जहाँ पर भी कर दो, कर दिया करो। इतना आप लोग कर सकते हो। अगर आप फ्री में मुझसे एजुकेशन्स ले रहे हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में फिर आप ये शेयरिंग किया करो, ठीक है। चलो, और बच्चे उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। हम लोग बच्चे ज्योग्राफी का क्लास कर रहे थे, ठीक है। और ज्योग्राफी में हम लोग बच्चे किसके बारे में बात कर रहे थे? चीन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चीन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एशिया महाद्वीप का मरीज कहा जाता है, ये भी बता दिया था। पॉपुलेशन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है बेटा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जिसका नाम चीन है। और विश्व में दूसरी जनसंख्या वाला देश क्या है बच्चे? चीन है। चीन है कि भारत है? भारत है बेटा, क्लियर। और आपको पता है सर, ये दोनों देश जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंटल में आते हैं। कौन सी कॉन्टिनेंटल में? एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में दो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है बेटा, एक का नाम चाइना है और एक का नाम भारत है। और आपको पता है भारत और चाइना के मध्य बच्चे कई सारे डिस्प्यूट हैं। और एक डिस्प्यूट मैंने बताया था आप लोगों को बच्चे, जब विवाद हो गया था जब दलाई लामा 1959 में बेटा, जब तिब्बत पर पूर्णतया चीन ने अधिकार कर लिया तो दलाई लामा वहां से भाग आया। और भाग कर भारत में जब शरण लिया तो भारत के लोगों ने जब उसे शरण दिया बेटा, तो फिर चीन ने उसकी दुश्मनी निकाली हमसे 1962 में, ठीक है। और इतने तक शायद हो गया था बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को कहा था, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर समझ लिया जाए, ठीक है। ये अब मैंने कहा था बच्चे, जो ये वाला हमारा क्षेत्र है, ये तो बच्चे चाइना ने अधिकार में कर लिया। और चाइना ने कब कर लिया? तो मैंने आपको बताया था 1962 में बच्चे, क्लियर। और आपको पता है सर, ये वाला जो एरिया हो गया, अब ये वाला एरिया हमारा POK हो गया बच्चे, और ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया। मैंने आपको कहा था ये जो लाइन है सर, इसे LOC कहा जाता है, क्लियर हो जाएगा। तो LOC जो है बच्चे वो POK और लद्दाख के मध्य अब हो जाएगी, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर का बच्चे आपने देखा होगा विभाजन कर दिया गया, दो टुकड़ों में बांट दिया गया, केंद्र शासित राज्य बन गया, एक लद्दाख बना, एक कश्मीर बन गया, ठीक है। और ये वाली जो लाइन आपको मैंने बताई थी, ये सर मैंने LAC बताई थी। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बच्चे आपको लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य मिलेगा, और LOC बच्चे POK और लद्दाख के मध्य मिलेगा। इतनी बात तक तो हो गई थी शायद बेटा, क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये भी बच्चे मैं करंट्स भी बता दूंगा कि अभी बच्चे इसी लद्दाख के क्षेत्र में अभी लद्दाख के क्षेत्र में चीन ने फिर से बच्चे नौटंकियां शुरू कर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, क्लियर हो जाएगा, जैसे बच्चे मैंने कहा था कि जो चीन है सर, उसकी जो सोच है वो साम्राज्यवादी है, और भारत की जो सोच है बच्चे, जो नीति अपनाता है भारत, वो डिफेंसिव नीति अपनाता है पड़ोसियों के प्रति। और मैंने कहा था सर कि जो इंसान समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो जाता, ये याद रखो बच्चे, वो इंसान कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। भाई हम कब तक 1947 वाले रूल पर चलेंगे? एट द टाइम बेटा जो सिचुएशन है हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। पता लगता है आज जो सिचुएशन है, हम बच्चे जो वर्तमान गवर्नमेंटें हैं कह देती यार उसने बिगाड़ दिया था, यार उसने बिगाड़ दिया, तो आप क्या कर रहे हो फिर बैठकर? आप किस लिए आए हो सर? फिर उसी को दो ना गवर्नमेंट, जब उसने बिगाड़ा था तो फिर वही संभाले। हम परिवर्तन क्यों लाते हैं बच्चे जब हमारी नीड को पूरी नहीं की जाती है बच्चे? अभी आजकल आप देख रहे हो सर कि हमारे देश में एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, रेलवे के बच्चों और SSC वालों के लिए, ठीक है। अब एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है और 1 सितंबर के लिए है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, आप लोग भी उसमें शामिल हो जाओ, ठीक है। और बच्चे दूसरी चीज़ है, ये कैंपेनिंग नहीं सर, आप कब तक हमें भाई डेट पर डेट, एक मूवी आई थी ना सन्नी देवल वाली, तारीख पर तारीख वाली कहानियां हैं बच्चे। सारे नेताजी आप लोग देख रहे हो बच्चे, खा पी के मस्त हैं, ठीक है, हमसे पैसे ले। अरे भाई एक स्टूडेंट है बच्चे, गेहूं बेचकर पैसा लाता है, उसके पिताजी की डांट, अपने पिता की डांट खाता है, साइकिल चलाता है सर, बहुत सारे बच्चों को देखा है 30-30 किलोमीटर तक पर डे साइकिल चला देते हैं बच्चे। अब साइकिल बेचारे चला रहे हैं
तो आप चलो इस पर बच्चे बात कर लेंगे, ठीक है चलो लौट आओ यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है बेटा है ना, तो इनको आप सिस्टमेटिक वे में लाओ। और चीन का तो रूल है यार, चीन इधर परेशान करेगा, चीन इधर परेशान कर देगा, तो हम तो बस बच्चे गृह युद्ध में ही फंस कर रह जाएंगे। और अगर हम घरों में ही फंसे रहेंगे यार, तो बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, हमारे लोग भी चाहते हैं कि सर हम घर में ही रहें, घर में खाएं पिएं सोएं, बाहर वाले कुछ भी करते रहें, बच्चे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब हमारे ऊपर नेपाल भी गोलियां चलाने लगा आजकल, क्योंकि हम बच्चे देशों के प्रति जो डिफेंसिव नीति अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बच्चे अब नुकसानदेह हो रहा है। क्लियर हो जाएगा। चीन आक्रमण नीति अपनाया हुआ है, साम्राज्यवादी विस्तार पर चल रहा है, तो ये देख रहे थे सर। फिर अभी बच्चे गलवान घाटी को लेकर अब नया बफर जोन हम बना रहे हैं। अगर बच्चे बफर जोन और अभी स्थल रुद्ध, बच्चे लैंड लॉक कंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, और बफर जोन या बफर स्टेट उसे कहते हैं बच्चे, तो दो एमनीज यानी कि दो दुश्मन देशों के मध्य जो स्थित देश हो बच्चे, उसे ही हम अस्त बच्चे क्या कहते हैं, बफर स्टेट कहते हैं। अब यहां पर सर देख रहे थे लद्दाख में बफर जोन था हमारा, अब बफर जोन में घुस आया चाइना। हमारी सरकारें कहती हैं सर चाइना आया ही नहीं, फिर हमारे ही मीडिया वाले चार दिन बाद कहते हैं कि भाई चाइना पीछे चला गया। तो फिर जब आया नहीं तो गया कहाँ से, और अगर गया तो फिर क्या करके गया, कम से कम ये चीज़ें तो क्लियर करिए। फिर बाद में रोना आ जाता है सर कुछ लोगों ने गड़बड़ किया। भाई कुछ लोग, भाई हमारे पिताजी खेती करते थे, हमारी माताजी अनपढ़ थी, हम तो पढ़े लिखे बन रहे हैं, तो ये सुधार बहुत ज़रूरी होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे एलएसी को लेकर आजकल बच्चे माहौल गड़बड़ है। अब हमें यहाँ पर एक अगला विवाद, मैंने कहा था बच्चे मैंने ये वाले विवाद बता दिए थे, ठीक है। अब एक अगला विवाद बच्चे क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक ब्रह्मपुत्र विवाद है। ब्रह्मपुत्र आपको पता है सर नदी है, है? अब ये जो नदी है सर ब्रह्मपुत्र नदी है, अब ये नदी बच्चे आपको पता है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। अब ये तिब्बत होते हुए बच्चे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जाती है। यहां पर देख लीजिए सर, मैं फिगर में भी समझा देता हूं। अब जैसे सर ये हमारा भारत है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है सर, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देख लो, अब यहाँ से निकली बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला क्षेत्र तिब्बत का है, और आपको पता है तिब्बत पर अधिकार भाई चाइना ने रख रखा है। यहाँ पर मानसरोवर है बच्चे, यहाँ पर चेमायुंगडुंग है। अब यहाँ से ये नदी निकल रही है बच्चे, और अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर के ऊपर होते हुए बांग्लादेश में चली जा रही है। अब चाइना क्या चाहता है, चाइना यहीं से इस नदी को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है बच्चे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का मैक्सिमम पानी का यूटिलाइज वो स्वयं करना चाहता है, ठीक है, भारत वालों को भड़का देता है। और अभी बच्चे मैं इसी में गलवान वो क्या कहते हैं बच्चे डोकलाम विवाद भी आपको बता दूंगा, ताकि करंट भी आपका मजबूत हो जाए। अब चाइना का जो ये मूड था बच्चे कि यार इसके पानी को अपनी तरफ डायवर्जन किया जाए, तो उसने यहां पर सर तीन डैम बना लिए, और तीन बांध बनाकर बच्चे वो पानी को, मैक्सिमम पानी को यानी मैक्सिमम वाटर को खुद यूटिलाइज करने के लिए बच्चे स्टार्टअप ले लिया। अब यहां पर इंडिया वाले बेचारे अपने घर में ही परेशान हैं। एक व्यक्ति है बच्चे यहीं पर बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगा, यहीं पर डोकलाम है और ये चुंबी बच्चे वैली है। अब यहां पर बच्चे चीन ने ऐसे रोड बनाने का प्लान बना लिया, ठीक है। हालांकि कहो तो ये बच्चे एक बहुत बड़ा मैटर हो गया, भूटान ने भी अच्छा खासा 2017 में विरोध किया, हमने भी अपनी सेना को लगाया, क्योंकि बच्चे चिकन नेक जो हमारा गलियारा है 3 किलोमीटर का, उसी पर नजर हरदम बच्चे एक व्यक्ति की रही जिसका नाम क्या है, चीन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि चीन बच्चे अरुणाचल प्रदेश के जरिए हमारे पूर्वी राज्यों को अपने कवर्ड में रखना चाहता है, यानी 7 के 7 राज्य पर वो अधिकार करना चाहता है, और उसके तहत बच्चे वो हिंद महासागर में प्रवेश लेना चाहता है, और इसलिए बच्चे वो परेशान रहता, आए दिन कुछ ना कुछ वो खुराफात करता। तो हमें ये डिस्प्यूट पढ़ लेना है बच्चे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने कितने बांध बनाए, ठीक है। तो ये दूसरा बच्चे कारण देख लो आप, ठीक है, यहां पर लिख देंगे बच्चे। दूसरा विवाद था, ये विवाद उठा 2017 में, और ये कौन से नदी के पानी को लेकर बच्चे, ब्रह्मपुत्र नदी को पानी को लेकर हुआ था, और यहाँ पर उसने तीन बांध बनाए बच्चे इस पानी को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, ठीक है। और बच्चे इसमें एक दांगू,
ना टफ नाम है बच्चे, थोड़ा सा जांगुम, और एक और नाम है बच्चे जियाचा। ये तीन बांध बच्चे बनाए, किसने बनाया तो आप बताओगे, सर चीन ने बनाया है, और चीन ने कौन से नदी पर बनाया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है, ताकि पानी का मैक्सिमम यूटिलाइज करे स्वयं बेटा, ठीक है। और अगर ब्रह्मपुत्र में पानी कम हो जाएगा तो आपको भी पता है सर कि भारत के पूर्वी राज्यों में जहां पर पानी बच्चे, या पानी का कह सकते हो फ्रेश वाटर का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लो, ये थोड़ा सा लिख लो बच्चे, दांगू, जांगुम और जियाचा, तीन बांध बच्चे नदी पर बनाया, 2017 में बनाना शुरू किया बच्चे। और इसके पानी का वो उपयोग करना चाहता है बच्चे, उपभोग कंजप्शन करना चाहता है, ठीक है। और वो बच्चे नदी को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है, हालांकि फिलहाल बना लिया है बच्चे, है ना। चलो ये दो विवाद मैंने आपको चीन के बता दिए, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब अगला जो है हमारा बच्चे नेशन है भूटान। ठीक है, क्या नाम होगा बच्चे, भूटान। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये हमारा बच्चे एक देश है भूटान, ठीक है। और आपको पता है सर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ठीक है, ये मेघालय है, ठीक है, और ये असम है, ठीक है, और पता ही है सर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ जाता है ना, ये सिक्किम है। अब ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है बच्चे, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये असम है, और ये मेघालय है, क्लियर। और आपको पता है सर ये आपका बांग्लादेश है, कौन सा देश है बेटा, और ये आपका पश्चिम बंगाल है, कौन है, पश्चिम बंगाल है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये आपका सिक्किम है, और ये आपका नेपाल है बेटा, और नेपाल के साथ साथ आपको पता है तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर कौन बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब हमें बात करनी है किसकी बेटा, भूटान की। अब भूटान को अगर देखा जाए बच्चे, तो इधर से भी लैंड है, इधर से भी लैंड है, नीचे से भी लैंड है, और ऊपर से भी लैंड है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर भूटान की बात किया जाए बच्चे, तो भूटान देखो सर जी, क्लियर हो जाएगा, चारों तरफ क्या वो लैंड से घिरा है कि नहीं है, डन है सर, घिरा है। तो पहली चीज तो एक क्वेश्चन ये होगा कि पहली चीज तो ओल्ड नेम इसका आप जान लो यार, कि भूटान का पुराना नाम क्या है, तो आपका रिजल्ट होगा बर्मा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। भूटान का नाम क्या होगा, बर्मा होगा, ठीक है। अब बर्मा का अगर बच्चे ओल्ड नेम बात किया जाए, ठीक है, तो अगर बच्चे सॉरी भूटान की बात किया जाए बच्चे, तो भूटान का जो पहला होगा बच्चे, कि भूटान और भारत के बीच के अगर रिलेशन किया जाए, तो याद रखो बर्मा म्यांमार का नाम था बच्चे। तो भूटान जो है बच्चे, ध्यान से सुनना, भूटान और नेपाल एक ऐसे दो राष्ट्र हैं बच्चे, जहां के लोगों को वीजा पासपोर्ट आने जाने की नहीं पड़ती, यानी हमारे बीच में कुछ राजनैतिक समझौते हैं बच्चे, जहां पर इस पे हमने क्या दिया है, छूट दे रखा है। हालांकि बच्चे नेपाल का जो अगर बच्चे देखते हो आप, नेपाल नेपाल पूर्णतया हिंदू राष्ट्र है,
हमारे उसके कल्चर मेल जुलाप है बेटा, लेकिन नेपाल ट्रेड सबसे ज्यादा कहां से करता है? चीन से करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जहां से व्यापार ज्यादा मिल रहा हो, जहां हमें लाभ ज्यादा मिल रहा हो, तो यार निश्चित है इस देश का झुकाव इसके प्रति होगा। अब चीन वही चीज यहां पर भी अपना रहा है बच्चे। अब चीन का उद्देश्य होता है सर, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो एरिया है यही एरिया है बच्चे जो हमें पूर्वी राज्यों को जाने से जोड़ता है। अगर बच्चे ये 3 किलोमीटर बच्चे जो है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं बच्चे, चिकन नेक, ध्यान से देखिएगा बच्चे क्या कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं बेटा। अब यहां पर बच्चे अगर बात किया जाए तो ये चीन, चलो इसके बारे में अभी बात कर ले, थोड़ा सा डाटा लिख लिया जाए पहले। यहां पर देखो पहला पॉइंट बच्चे, अगर भूटान की बात किया जाए तो लैंड लॉक कंट्री है। कौन सी कंट्री है? लैंड लॉक यानी कि स्थल रुद्ध देश है बच्चे, ठीक है। पहला तो यही हो गया, स्थल रुद्ध देश है यानी कि आपको भी पता है कि ये बच्चे स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर दिया जाए बच्चे कि ये स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है, स्थल रुद्ध देश है बच्चे। अब अगर दूसरी बात किया जाए तो यहां पर आप देख रहे हो भारत है, ठीक है, यहां पर भूटान है और यहां पर क्या है, चीन। तो आपको पता है भारत और चीन के मध्य दुश्मनी चल रही है बच्चे, तो दो दुश्मन देशों के मध्य स्थित है बेटा। तो आप कह सकते हो कि कंट्री लोकेटेड बिटवीन, लिख लीजिएगा बच्चे, कंट्री लोकेटेड बिटवीन टू एनिमीज कंट्री बेटा, टू एनिमीज कंट्री, ठीक है। अब एनिमीज का मतलब भाई दुश्मन देशों, यानी दुश्मन देशों से घिरा है बच्चे। दुश्मन देशों से, अगर ये दुश्मन देशों से घिरा हुआ है बच्चे, तब इसे आप क्या कहोगे, तब आप इसे बोलोगे वफर स्टेट बेटा। क्या बोलोगे? बफर स्टेट बोलोगे बच्चे, यानी बफर राज्य बोलोगे आप, क्लियर हो जाएगा। क्या बोलोगे? बफर राज्य बोलोगे। तो अब दो क्वेश्चन यहां से बनाओ। पहला बच्चे, भूटान किस प्रकार की कंट्री है? तो आप बोलोगे सर लैंड लॉक कंट्री यानी स्थल रुद्ध देश है। फिर पूछूंगा कि क्या ये दुश्मन देशों से घिरा हुआ है? तो आप बोलोगे यस सर, नीचे भारत ऊपर चीन, बीच में फंस गया बेचारा भूटान। तो बच्चे आप एनिमीज कंट्री के मध्य है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, बफर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टेट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नोट करो जल्दी से। और बताओ ये अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं बच्चे, डोकलाम भी बता देता हूं डिस्प्यूट में। हो गया होगा इतना, तो दो क्वेश्चन यहां से आ गया, लैंडलॉक कंट्री है और बफर स्टेट है बच्चे, कौन है? तो भूटान है। अब अगला पॉइंट देखा जाए बच्चे, ठीक है, अगर इसके हम बाउंड्री की बात करें बच्चे या बॉर्डर की बात करें, तो बॉर्डर जो है बच्चे, बॉर्डर की जो लंबाई है, लेंथ है भारत और भूटान के मध्य, वो है 699 किलोमीटर बच्चे। कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर। अब आप इधर देख ही रहे हो, असम से है, क्या कहते हैं, असम से भी जुड़ा है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये अल्लाह यहाँ से बच्चे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है और सिक्किम से भी जुड़ा हुआ है, क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां लिख देंगे बच्चे, सिक्किम से भी कनेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश से भी कनेक्ट है, ठीक है, असम से भी कनेक्ट है और पश्चिम बंगाल से भी कनेक्ट है बेटा, क्लियर। तो टोटल कितने राज्य इससे सटे हुए हैं भारत के? तो आप बोलोगे सर कि 4 राज्य हैं और मैं लेंथ पूछूंगा, लंबाई पूछूंगा बच्चे, तो आप बोलोगे 699 किलोमीटर है सर, क्लियर। किससे बाउंड्री बनाते हैं हम लोग? भूटान से। भूटान एक बफर राज्य भी है और प्लस बच्चे लैंड लॉक कंट्री भी है, ठीक है, तो लैंड लॉक कंट्री याद रखो थोड़ा सा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे भूटान के बारे में, ठीक है। अब याद रखो सर जी, ठीक है, अब याद हमें ये रखना है यहाँ पर डोकलाम, ठीक है, तो थोड़ा सा डोकलाम के बाद लिखिए, फिर आपको मैं बताऊं बच्चे। डोकलाम पठार है, डोकलाम पठार है बच्चे, ठीक है। अरे
डोकलाम प्लेटिव है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि डोकलाम प्लेटिव लोकेटेड कहां पर स्थित है, तो लोकेटेड इन भूटान, स्थित है कहां, भूटान में बच्चे, ठीक है। कौन स्थित है बच्चे, भूटान में स्थित है डोकलाम पठार, क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा बच्चे, या इसको भूटान की जगह बच्चे ना ये कर लो, चुंबी घाटी। एक क्वेश्चन और बना लो, कौन सी घाटी बच्चे, चुंबी घाटी में स्थित है कौन सा पठार, डोकलाम पठार बच्चे स्थित है, क्लियर हो जाएगा। और ये किसका भाग है, अगर पार्ट की बात कर दिया जाए बच्चे, तो भाग आप लगा लो यहां पर सर भूटान का भाग है, क्लियर हो जाएगा। और अभी ये डिस्प्यूट है बेटा, ठीक है, बताते हैं। तो यहां पर लिख लो बच्चे विवाद, समझा मैं अलग से दे रहा हूं, विवाद जो है बच्चे ये भूटान के और चीन के मध्य है, भारत का कोई लेना देना नहीं है बच्चे। मैं बताता हूं कैसे भारत इसमें इन्वॉल्व हो गया था, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। और बताओ यहां तक डन है, जल्दी से चले, उम्मीद है यहां तक हो गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा फिगर बना लेते हैं, उस पर अच्छे से समझा देते हैं, तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा बच्चे, बड़ा बना लेते ताकि कोई चीज रह ना जाए। इधर आपको भी पता है, अगर ये हम बात करें भूटान की, तो भूटान कुछ इस तरह है बच्चे, ठीक है, कुछ इस तरह भूटान है। और ये जो है बच्चे, ये जो एरिया होता है सर जी, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया होता है ये है सर चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है बेटा, चुंबी घाटी है। और यहीं पर सर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर बच्चे ये जो स्पॉट्स खाली है बेटा, ठीक है, इसी को सर कहा जाता है डोकलाम। क्या कहा जाता है, डोकलाम सर, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ये बच्चे क्या कहते हैं, विवाद कब आ गया, तो विवाद बच्चे 2017 में उठा। यहीं पर बच्चे चीन का याक एक शहर है, यारडांग शहर। कौन सा शहर बच्चे, यारडांग शहर है, और ये शहर किसका है, चीन का है। अब चीन ने क्या किया बच्चे, यारडांग शहर से डोकलाम तक, यारडांग शहर से बच्चे डोकलाम तक एक रोड निर्माण शुरू कर दिया, एक रोड निर्माण शुरू कर दिया। और कौन से सन में शुरू कर दिया, तो आपका रिजल्ट होगा सर 2017 में चीन ने यारडांग शहर से चुंबी घाटी का जो एक क्षेत्र जिसका नाम क्या था, डोकलाम प्लेटिव जो था बच्चे, वहां तक ये एक रोड बनाने लगा। अब जब ये रोड का निर्माण शुरू कर दिया, तो भूटान ने बच्चे इस रोड का विरोध किया कि भाई ये मेरा क्षेत्र है और बिना मुझसे पूछे आप यहां पर रोड का निर्माण कैसे कर सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो एक फिगर ये देख लो बच्चे, इतने पॉइंट्स नोट करो, ठीक है, इतने पॉइंट्स नोट करिए सारे बच्चे, फिर आगे बताएं। यारडांग है बच्चे, यारडांग शहर, या यारडांग होगा, डांग ही है बच्चे, डोंग होगा, यारडोंग, यारडोंग कर लो बच्चे, यारडोंग शहर बच्चे। रोड बनाना शुरू किया, यानी कि रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू किया बच्चे, किसने, चीन ने बेटा। विरोध किसने कर दिया, अब ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, विरोध किसने कर दिया, तो आप बोलोगे सर कि भूटान ने कर दिया। अब यहां पर देखा जाए सर, तो कुछ भारत की यह स्थिति है, ठीक है। अब याद किया जाए बच्चे, तो ये जो हमारा 3 किलोमीटर वाला एरिया है सर, ये वाला जो एरिया है बच्चे, इस गलियारे को हम चिकन नेक गलियारा बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, चिकन नेक गलियारा बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब यार ध्यान से देखो, अगर चीन बच्चे चुंबी घाटी होते हुए डोकलाम पहुंच जाएगा, तो चीन की स्थिति तो यहां हो जाएगी यार,
यानी चीन यहाँ आराम से आसानी से हमारे बच्चे सिक्किम और भूटान के मध्य जो बच्चे डोकलाम वाला प्लेटिव है वहाँ तक तो ये आसानी से पहुँच जाएगा। फिर बच्चे चीन की नज़र हमारे कौन से गलियारे पर रहेगी, चिकन नेक गलियारे पर रहेगी। और आपको पता है सर, जब चिकन नेक गलियारे पर मान लो खुदा ना खास्ता बच्चे चीन का आधिपत्य हो जाए, तो आप बताओ ये जो हमारे 7 राज्य हैं ये सुरक्षित होंगे अगर चीन यहाँ तक पहुँच जाएगा? तो आप बताओगे सर तब तो हमारे इन राज्यों पर असुरक्षा आ जाएगी। सर चीन देखो साम्राज्यवादी नीति का, और वो आए दिन कुछ ना कुछ तो खुराफात करता ही रहता है बेटा। तो इसी चिकन नेक गलियारे पर एक व्यक्ति की नज़र है बच्चे, जिसका नाम क्या है? तो आप बोल दोगे सर चीन की है। तो अगर अब बात किया जाए कि ये जो डोकलाम पठार का विवाद था ये किन दो देशों के मध्य है, तो आप बोलोगे सर भूटान और चीन के मध्य है बेटा। ठीक है, फिर क्या किया सर हमारी भारतीय सरकार ने कि चीन यहाँ तक ना पहुँचे, तो अपनी एक सेना की टुकड़ी बच्ची भेज दी। आपने देखा होगा डोकलाम विवाद को लेकर काफ़ी, तो सेना भेजा भारत ने, और भारत ने बच्चे सेना भेजा किसकी तरफ से? भूटान की तरफ से। जब रोड बनाना चीन ने शुरू किया तो विरोध अपोष किया बच्चे भूटान ने, साथ दिया भूटान का भारत ने। चीन ने कहा भारत से कूटनीतिक बच्चे विस्तार पे, कहा देखो भाई भारत अगर तुम डोकलाम पर कुछ रिजल्ट बोलोगे या रिजल्ट दोगे तो पक्का है मैं बच्चे काला पानी में आपका विरोध करूंगा। अब ये काला पानी क्या है बच्चे? तो काला पानी विवाद हमारा चल रहा है नेपाल से। किससे चल रहा है? और आप देख रहे हो रिसेंट में नेपाल ने काला पानी वाला बच्चे सारा विधेयक उधेयक भी बना लिया। तो ये जो विधेयक बना रहे हैं, ये जो डिस्प्यूट्स नहीं बच्चे सफल हो पा रहे हैं, हम नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ये हमारी थोड़ी सी एक कमजोरी है डिफेंसिव नीति का। क्लियर हो जाएगा? चीन लगातार बैक टू बैक हम पर बच्चे अटैक कर रहा है, अब काला पानी विवाद भी आ गया। उधर पीओके को लेकर वैसे टेंशन है बेटा, अब पीओके में थोड़े से पार्ट को क्लियर हो जाएगा, जो बच्चे काराकोरम वाला क्षेत्र है फिगर में बता दूंगा, तो उस पर भी चीन ने थोड़े से जगह पर अधिकार कर रखा है, पाकिस्तान ने उसे दान कर दिया। जैसे लग रहा है पाकिस्तान की लैंड है वो बच्चे, ठीक है दे दे रहा है भाई तुम भी ले लो तुम भी ले लो, है ना। तो कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं बेटा जिन्हें सुलटाने बच्चे या सुलझाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो चलो हमें इतना ही यहाँ से समझना था। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, भूटान एक बफर स्टेट है, दो दुश्मन देशों के बीच है। भूटान में चुंबी घाटी, चुंबी घाटी में कौन सा पठार था? डोकलाम पठार था। डोकलाम विवाद कब उठा? तो आप बताओगे 2017 में उठा। क्यों उठा? क्योंकि यहाँ चीन ने यारडोंग शहर से डोकलाम तक एक रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जिसका विरोध भूटान ने किया। डोकलाम विवाद पर बच्चे भूटान की हेल्प किसने की? तो आप बताओगे सर भारत ने किया। और भारत ने क्या भेजा? सेना भेजा। और आपको पता है सर डोकलाम से पीछे हटना पड़ा किसको बेटा? चीन को। लेकिन चीन ने बच्चे फिर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। नेपाल का जो हमारा काला पानी विवाद है, यानी कि ये काला पानी विवाद बच्चे देख ध्यान से सुन लेना, एक काला पानी सजा होगी, तो काला पानी सजा अंडमान निकोबार, ठीक है, और काला पानी विवाद बच्चे एक शारदा नदी का नाम सुना होगा, उस नदी के पानी को लेकर विवाद है, ठीक है। तो ये विवाद भी अभी बताऊंगा जब नेपाल पढ़ा दूंगा। तो ये डोकलाम विवाद था बच्चे, ठीक है, इसे आप देख लीजिए और आप सारे बच्चे बताएंगे कि आप बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। और डोकलाम पर बच्चे अधिकार करना चाहता है चीन, डोकलाम पर अधिकार करना चाहता है चीन। और चीन की मेन नज़र है बच्चे यहाँ पर 7 राज्यों पर हमारे, और 7 राज्यों के बाद वो हिंद महासागर में क्या करना चाहता है? प्रवेश करना चाहता है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मैंने बता दिया आपको, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं? सारे बच्चे डन करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोगों तक पहुंचाया करो, ठीक है। उम्मीद है सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होंगी। रोड का कारण बना था, अपोज भूटान ने किया, हेल्प किया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट की बच्चे भारतीय
राजनैतिक सुरक्षा बच्चे ने यहाँ असुरक्षित हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये 3 किलोमीटर का जो चिकन नेक गलियारा है बच्चे, इस पर डिस्टर्ब कर सकता है आने वाले कल में हम पे कौन? चीन। ये चीन है बच्चे, है ना। यारडोंग शहर कहाँ है? चीन में है। चलो, हमारा भूटान भी खत्म हुआ, अब बात करते नेपाल की। नेपाल की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पहले लिख लीजिए जल्दी जल्दी। नेपाल की अगर कैपिटल काठमांडू, ठीक है, और काठमांडू में ही है पशुपतिनाथ, भगवान भोलेनाथ, ठीक है। काठमांड बच्चे, नेपाल हिंदू राष्ट्र है पूर्णतया, हिंदू राष्ट्र है बच्चे, ठीक है। नेपाल एक क्या है? हिंदू राष्ट्र है बेटा, ठीक है। ये बच्चे तीन तरफ से भारत से घिरा है, अभी फिगर में बता देंगे बच्चे। और तीन तरफ भारत से घिरा है तो बताओ स्थल रुद्ध हुआ कि नहीं? हो गया स्थल रुद्ध, हो गया बच्चे। लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है बच्चे, तीन तरफ भारत है। और अगर इसके बच्चे ऊपर की नॉर्थ की बात किया जाए तो नॉर्थ पर चीन बैठा हुआ है, अभी मैं फिगर में शो करूंगा बच्चे, ठीक है। और आपको भी पता है चीन भारत दुश्मन है, तो आपको बता ये बफर राज्य भी होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बफर स्टेट भी है। क्या है? बफर स्टेट भी है बच्चे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिए, बफर स्टेट भी है बेटा, ठीक है। बाउंड्री कितनी बनाती है इंडिया से? 1751 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1715 किलोमीटर हमारी बाउंड्री है बच्चे, ठीक है। और अगर राज्य की बात किया जाए तो सबको पता है बच्चे कि कई सारे राज्य, 5 राज्य बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। कितने राज्य जुड़े हुए हैं तो फिगर में आपको अभी बता देते हैं बच्चे। यूके यानी उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और आपका होगा बच्चे एक सिक्किम। ये 5 राज्य बच्चे नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, जो भारतीय राज्य हैं। यूके उत्तराखंड, यूपी अपना उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश से सटे हुआ बच्चे देश की संख्या 1 है, और वो देश कौन सा यूपी से सटा है जिसका नाम है ये बच्चे आपका नेपाल। नेपाल, ठीक है बेटा। फिगर में भी देखना चाहो तो बहुत आसान है यार, फिगर क्या देखोगे? ठीक है, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा यूके है, ये हमारा यूपी है, ये हमारा बिहार है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और ये हमारा सिक्किम है, और ये बच्चे नेपाल है। स्थल रुद्ध हो गया, ठीक है। इधर भारत है, इधर चीन है सर, इधर भारत है उधर चीन है, तो बफर स्टेट भी हो गया। चारों तरफ से बच्चे लैंड लॉक है, क्लियर हो जाएगा भाई। सागर वागर तो है ही नहीं है यहां पर, ठीक। चलो, अब इसके डिस्प्यूट पढ़ लेते हैं बच्चे, विवाद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विवाद से पहले बच्चे एक परियोजना पढ़ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है सर कोशी परियोजना। कोसी परियोजना, कोसी प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट बच्चे 2012 में आया, ठीक है। दो देशों के मध्य है। कितने देशों के मध्य है ये प्रोजेक्ट? तो आप बोलोगे दो देशों के मध्य है, एक नेपाल है और एक सर क्या है? भारत है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि ये जो कोशी नदी है जिसे हम बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं बच्चे, बिहार का कहते हैं शौर ऑफ बिहार बोला जाता था बच्चे।
यानी कि इस नदी को हम बिहार का शोक कहते थे बच्चे, यानी कि शोक का मतलब ये बच्चे बहुत लार्ज मात्रा में बाढ़ लाती थी। क्या लाती थी बच्चे? तो इस बाढ़ से बच्चे नेपाल भी परेशान रहता था और इस बाढ़ से हम लोग भी परेशान रहते थे। और हमारा सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सा राज्य डिस्टर्ब हो जाता था? बिहार हो जाता था। ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कौन सी नदी? कोशी नदी। कहाँ की सरोवर है बच्चे? तो बिहार का शोक कहलाती थी, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे दोनों देशों ने कहा कि क्यों ना सर कुछ ऐसा परियोजना बना दिया जाए जिससे आपको भी थोड़ा सा लाभ हो जाए और हमसे भी हमें भी थोड़ा लाभ हो जाए। तो भारत और नेपाल ने बच्चे 2012 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था कोसी परियोजना। और इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चे, इस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल के हनुमान नगर में दो नहरों का निर्माण कर दिया गया। किसका बच्चे? दो नहरों का निर्माण, कि अगर पानी की संख्या कोशी नदी में बढ़ती है तो क्या करेंगे सर, पानी को डायवर्जन दे देंगे किसकी तरफ? नहर की तरफ बच्चे। तो थोड़ा सा रिलीफ तो मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि कौन सी जगह पर बच्चे दो नहरों का निर्माण किया गया, तो आप लिख लो बच्चे नेपाल के हनुमान नगर। अगला पॉइंट लिख देना बच्चे, नेपाल के हनुमान नगर में दो नहरों का निर्माण किया गया। और आपको पता है सर, जब नदी में पानी का फ्लो बढ़ जाएगा तो हम इस पानी को नहरों की तरफ क्या कर देंगे? डाइवर्ट कर देंगे बच्चे, ताकि नदी में पानी का फ्लो थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। इससे बिहार सरकार को भी लाभ होगा और इससे भारत को भी बच्चे थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, लाभ हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि कोसी परियोजना कब से शुरू हुई बच्चे, तो आप बताओगे 2012 से है सर। किन दो देशों के बीच है? तो आप बोलोगे सर नेपाल और भारत के मध्य है। नहरों का निर्माण कहां किया गया? तो आप बोलोगे सर नहरों का निर्माण हनुमान नगर में किया गया। और हनुमान नगर कहां है? नेपाल में है सर। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और ये बच्चे याद रखना, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्लियर। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और समझना क्या है, बस इसे रटना है बेटा, है ना। अगला हेडिंग डालो बच्चे, जो नेपाल से हमारे विवाद चल रहे हैं, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बच्चे हम लोग पढ़ लेते हैं ना। अब एक नदी है सर शारदा नदी, और इसी नदी को बच्चे काली नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? काली नदी। कहां से निकलती है? तो आपका रिजल्ट होगा सर नेपाल से निकलती है बच्चे, ठीक है। और नेपाल के बाद ये भारत में आती है बच्चे, ठीक है। नेपाल में इसे बच्चे काली नदी के नाम से जानते हैं और भारत में इसे शारदा नदी के नाम से जानते हैं बच्चे, ठीक है। ये विवाद क्यों है? तो आपको पता है नेपाल इस नदी के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। कौन करना चाहता है बच्चे? नेपाल करना चाहता है। और बच्चे यही जो नेपाल वाला सिस्टम है बेटा, ठीक है, यही जो बच्चे नेपाल वाला सिस्टम है, इसी को सर हम लोग कहते हैं विवाद बना हुआ है बच्चे, और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे काला पानी विवाद। ये काला पानी विवाद हो गया जो नदी के पानी से है। एक होता है काला पानी सजा, ये आपका अंडमान
निकोबार से संबंधित है? अंडमान निकोबार से संबंधित है बच्चे, ये भी कहीं लिख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक काला पेनी आइलैंड है बच्चे, ये आपका लक्षद्वीप में। यहां से तीन क्वेश्चन आए बेटा, शारदा नहर नेपाल से निकलती है और इसी पानी को लेकर बच्चे भारत और नेपाल के मध्य विवाद है, डिस्प्यूट है, और इसी को हम काला पानी विवाद कहते हैं। एक है काला पानी सजा अंडमान निकोबार से संबंधित है, एक कालपेनी आइलैंड है बच्चे, द्वीप है जो कौन से राज्य में है भारत के, तो आप रिजल्ट लगा देना सर लक्षद्वीप में है, ठीक है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित राज्य है बच्चे, ठीक है, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित राज्य है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा नेपाल खत्म हुआ आज और हमारा भूटान खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे बांग्लादेश। बांग्लादेश ठीक है, राजधानी कहां है इसकी? ढाका। बना 1971। अब इसका थोड़ा सा इतिहास बता चुका हूं बच्चे, हमारे भारत देश में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, और 1905 में अंग्रेजों ने बच्चे मुस्लिम मेजॉरिटी को और हिंदू मेजॉरिटी को अलग अलग कर दिया बच्चे, यानी हिंदू और मुस्लिमों को, क्योंकि बच्चे जितना भी आपको भी पता आंदोलन होता था वो सारा का सारा बंगाल से होता था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। तो बच्चे जो हिंदू मेजॉरिटी थी सर, हिंदू मेजॉरिटी के लिए बच्चे, हिंदू मेजॉरिटी के लिए यानी कि बच्चे एक राज्य बना दिया गया, पार्ट बना दिया गया पश्चिम बंगाल, और मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए बच्चे, मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए हमने बना दिया पूर्वी बंगाल। अब ये जो बांटने का काम किया बच्चे वो किसने किया था, तो आप बताओगे लॉर्ड कर्जन ने किया था, यानी बंगाल का विभाजन कब हो गया? 1905 में। फिर ध्यान से देखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया, यानी कि फिर ये बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। और ये कब तक फिर बंगाल के नाम से जाना गया? 1947 में। क्लियर हो जाएगा, जब ये 1947 में बच्चे बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में, अब हम पहुंचे 1917 में, और 1917 में किसका विभाजन हो गया? तो आप बोलोगे भारत का हो गया। हमने कहा था कि भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था, तो आप बोलोगे सर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। क्लियर, फिर क्या किया गया कि बच्चे धर्म के आधार पर था, तो मुस्लिम मेजॉरिटी को बच्चे या मुस्लिम बच्चे मेजॉरिटी के लिए हमने पाकिस्तान बना दिया, और बच्चे हिंदू मेजॉरिटी के लिए आपको भी पता है कौन बन गया? भारत। क्लियर, फिर बच्चे जब बंटवारा हुआ तो इसको दो पाकिस्तान मिला, एक पूर्वी जो बंगाल वाला क्षेत्र था बच्चे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी की संख्या ज़्यादा थी, वो वाला भी मैंने पाकिस्तान में कर दिया, और पंजाब के बाहरी क्षेत्र का यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान वाला क्षेत्र बच्चे, पंजाब वाला ये पूरा चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर बच्चे आपका पाकिस्तान और फिर यहां पर भी पाकिस्तान। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों लोग अलग अलग हो गए 1947 के बाद, चलता गया बेटा, ठीक है। फिर बच्चे इंदिरा गांधी ने एक बार बच्चे प्लान बनाया था कि इन दोनों की जगह तक बच्चे एक रोड का निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि जब यह बना था तो इसके पास था कुछ थोड़ी ना बच्चे, मांग कर जीने वाला व्यक्ति था बेटा। अब इसके पास इतनी थोड़ी ना बच्चे पैसे थे कि ये पानी की जहाज बना सके, और फिर हिंद महासागर होते हुए बच्चे ये बांग्लादेश वाले क्षेत्र में पहुंचे, पैदल चलने की हिम्मत नहीं थी बेटा। क्लियर हो जाएगा, फिर क्या हुआ बच्चे, यहाँ के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे बच्चे, इन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था ये पाकिस्तान वाले लोग बेटा, ठीक है, और ये बात यहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने इसके विरोध में बच्चे क्या किया, प्रदर्शन शुरू कर दिया कि भाई मुझसे वहां से अलग कर दो यार, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बच्चे। इस पाकिस्तान को लगा कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान जो हमारा अंश है, ये लोग पक्का है, कौन लोग इनको भड़का
जा रहे हैं तो आप रिजल्ट दे दोगे सर कि भारत वाले, पाकिस्तान को लगा कि भारत वाले हमारे पूर्वी क्षेत्र को आए दिन भड़काते चले जा रहे हैं बच्चे, और इसी भड़काने की वजह से बच्चे 1971 में हमसे और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, युद्ध हो गया। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी और भारत के राष्ट्रपति थे बच्चे वीवी गिरी। क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे युद्ध हो गया, फिर उसके बाद आपको भी पता है सर ये युद्ध किसने बच्चे पराजित हुआ, पाकिस्तान पराजित हुआ। और आपको पता होना चाहिए सर इस युद्ध में पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अमेरिका आ रहा था सर, ये आप याद रखना बच्चे। अमेरिका ने 1970 युद्ध में बच्चे हेल्प करने की सोची थी पाकिस्तान की, अपनी सेना को भी उसने भेजा था, लेकिन सेना अमेरिका की भारत के हिंद महासागर के पहुंचने से पहले ही बच्चे हमने उनके कई हजार सैनिकों को घुटने पर बैठा दिया। क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह 1971 का युद्ध हमने जीता बच्चे। फिर बच्चे उसी समय 1970 युद्ध के बाद ही बच्चे एक नए राष्ट्र का गठन हो गया जिसका नाम बांग्लादेश था। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बच्चे, जिसमें भारत की महिला प्रधानमंत्री का नाम था, जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। ये आप याद रखोगे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर भी देखो सर मैंने पूरे स्ट्रक्चर को आपको बता दिया, ठीक। तो बांग्लादेश कैसे बना, कब बना, कहां से बना, 1905 में भाई चले जाओ तो ये फिर बंगाल ही तो है, हम ही तो हैं। क्लियर, चलो इतना देख लो सर। पाकिस्तान से बच्चे हम 1965 में युद्ध लड़े थे, 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, बट 1965 के बच्चे वार में हमने नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई थी। और एक आपको पता है कारगिल विजय बच्चे है ना, जुलाई 1999। चलिए तो ये था बांग्लादेश बना कब, तो आपका रिजल्ट होगा सर 1971 में। अब भारत देश की जो सबसे लंबी सीमा क्षेत्र बच्चे कोई बनाता है तो वो कौन बनाता है, तो आप बोलोगे सर वो बनाता है भारत से बच्चे बांग्लादेश। क्लियर हो जाएगा। तो सबसे लंबी, अगला पॉइंट लिखिएगा, सबसे लंबी सीमा रेखा भारत से कौन बनाता है, तो आपका रिजल्ट होगा सर भारत से बांग्लादेश बनाता है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 4096 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बच्चे, 4096 किलोमीटर, ठीक है, लिख दीजिएगा बच्चे। कितने स्टेट हैं बच्चे, 5। सबसे लंबी रेखा बनाता है बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, और अगर बांग्लादेश के मध्य पूछा जाए कौन सी रेखा है, सोने रेखा। कौन सी रेखा है बेटा, तो आप बोलोगे सर सोने रेखा है। जल्दी से नोट करो, अगला विवाद पढ़ लेते हैं बच्चे, बस खत्म हो जाएगा डिस्प्यूट। और पहला जो विवाद है तिस्ता विवाद है, और इसको पानी को लेकर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर दो पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तिस्ता जो नदी है बच्चे ये निकलती है जैमू ग्लेशियर से। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, जैमू ग्लेशियर से। अब जैमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम। अगला है बच्चे सहायक है, सहायक है ब्रह्मपुत्र की।
और ब्रह्मपुत्र की ये सहायक कहाँ बनती है, तो आपका रिजल्ट होगा बांग्लादेश में बनती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक कहाँ बनती है, तो आपको पता है सर कि ये बांग्लादेश में बनती है बच्चे, ठीक है। और इसी पानी को लेकर बच्चे 1983-84 में हमने एक समझौता किया बच्चे बांग्लादेश से पानी को लेकर, किसके नदी को पानी को लेकर, तिस्ता नदी को, कि 49% पानी का उपयोग भारत करेगा और 36% पानी का उपयोग बांग्लादेश करेगा, बाकी जो बचा पानी है, बाकी बचा पानी बच्चे नदी में ही रहेगा। इसे तिस्ता विवाद कहते हैं बच्चे, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। इतनी बात बताओ बच्चे, सारे बच्चे एक साथ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लेंगे सब। डोकलाम विवाद, चीन और भूटान, भूटान की हेल्प किसने किया, तो आप बोलोगे भारत ने किया, ठीक। काला पानी विवाद, भारत और नेपाल, ठीक है सर। कौन सी नदी को लेकर, तो शारदा नदी यानी काली नदी के नाम से मशहूर थी बच्चे। काला पानी सजा, तो अंडमान निकोबार से संबंध है बच्चे, क्लियर। एक मैंने द्वीप भी बता दिया, आइलैंड भी बता दिया। तिस्ता विवाद कहाँ कहाँ है, तो आप बोलोगे सर तिस्ता विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। किसको लेकर है, पानी को लेकर है बच्चे। ये कब समझौता हुआ, 1983-84 में हुआ था, क्लियर हो जाएगा। और इसमें निर्णय लिया गया कि 49% पानी का उपभोग भारत करेगा और 36% पानी का उपयोग बांग्लादेश करेगा, बाकी जो पानी बच रहा है वो तिस्ता नदी में ही रहेगा। तिस्ता नदी कौन से राज्य से निकलती है, तो सिक्किम से है। कौन से ग्लेशियर से है, तो जैमू ग्लेशियर से है। ये किसकी सहायक है, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ब्रह्मपुत्र विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो आप बोलोगे भारत और बच्चे चीन को लेकर है। क्या ब्रह्मपुत्र पानी को चीन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए बांध का या डैम का निर्माण किया, यस सर 2017 में उसने 3 डैम बनाए, मैंने तीनों डैम के नाम लिखा दिए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि बच्चे तिस्ता किसकी सहायक है, तो आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र की यह सहायक कहां बनती है, तो आप बोलोगे बांग्लादेश। बांग्लादेश का गठन कब हुआ, तो आप बोलोगे 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे ढाका है सर, क्लियर हो जाएगा, पक्का है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर इतनी चीज़ें आ रही हैं बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। और अगला बच्चे जो भी लेक्चर होगा वो कल होगा, ठीक। अब ये बच्चे आपको बस इतना करना है, क्योंकि बच्चे ये मैं जैसे ही भारत की भौगोलिक स्थिति खत्म हो जाएगी बच्चे, फिर हम लोग सीधा वायुमंडल पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हमने कहा था बच्चे हमें पहले उन चैप्टर को पक्का पढ़ लेना है सर, जहाँ से नंबर आप क्वेश्चन आते हैं। तो वायुमंडल में हम लोग बच्चे सारे के सारे स्फेयर पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्लियर। वही से बता दूंगा कि वर्षा कारण क्या है बच्चे, यानी कि आपको एक्स वाई जेड वायुमंडल की चीजें समझ में आ जाएंगी। 2-2.5 घंटे 3 घंटे का वो लेक्चर होगा बेटा, और डन है सर कि वो आपको तैयार हो गया, तो एक क्वेश्चन आपका मजबूत हो जाएगा। अभी भारत की भौगोलिक स्थिति सर इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि SSC 10+2 ने बच्चे पड़ोसी राज्यों से या पड़ोसी देशों से एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, कैपिटल पूछ लेते हैं, मनी पूछ लेते, तो ये सब तो बच्चे स्टैटिक्स जीके है उसमें बता दिया जाएगा। और हाँ सर, पॉलिटी का जो क्वेश्चन है बच्चे वो संडे संडे चल ही रहा है, एक संडे हो ही चुका है, अगले संडे को भी 2-2.5 घंटे क्लास चलेगी करीब। ज्योग्राफी का भी संडे को क्वेश्चन करा देंगे, और एक जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन का बैच बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चे उम्मीद है रात में जलाया जाएगा 9 बजे से बच्चे,
मेरा प्रयास रहेगा कि रात में जब खा पी के तुम लोग बैठ जाओ तो सोने से पहले बच्चे एक आध घंटे और बच्चे उसकी तैयारी कर लो। तो उसमें बच्चे मैं कुछ करंट्स को भी अपडेट करा दिया करूँगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय, टेक केयर, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो बच्चे। अब आपका सो ड्यूटी है बच्चे वीडियो को शेयर करना, ठीक है। फ्री में पढ़ रहे हो तो इतना तो ज़रूर करो यार, इतना तो मेरे लिए करो ही बच्चे, है ना, अगर मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, बाय, टेक केयर बेटा, बाय 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 बाय।